गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को जीव विज्ञान का दूसरा यूनिट आनुवांशिकता आनुवांशिकी का आधुनिक आनुवांशिकी की नींव को बता रहे हैं। इसके पहले हम आनुवांशिकी की परिभाषा बता चुके हैं। तो देखिए, आधुनिक आनुवांशिकी क्या है? आधुनिक आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? इन्होंने आनुवांशिकी के कौन कौन से नियम बताए, इनके नियमों का प्रकाशन कब और कौन किसने किया, तो इस प्रक्रिया को हम स्पष्ट कर रहे हैं। तो देखिए, आनुवांशिकी है क्या चीज? आधुनिक आनुवांशिकी का मतलब होता है कि वर्तमान समय में जो प्रक्रिया चल रही है, जो वंशागत लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, इन सारी प्रक्रियाओं को हम अध्ययन आधुनिक आनुवांशिकी के अंतर्गत करते हैं। तो आधुनिक आनुवांशिकी का मतलब वर्तमान समय में यानी वंशागत लक्षणों का अध्ययन से। तो कहते हैं, जीवों में वंशागत समानताओं एवं विभिन्नताओं, जीवों में वंशागत समानताओं यानी वंशागत समानताओं समानताओं और विभिन्नताओं विभिन्नताओं समानताओं और विभिन्नताओं की उपस्थिति का आभास ग्रीक देश के ईसा पूर्व दार्शनिकों में पाइथागोरस, 500 ईसा पूर्व और अरस्तु को 384 से 322 ईस्वी पूर्व तथा 19वीं सदी तक आभास था लोगों को, यानी कि समानताओं और विभिन्नताएं क्या होती हैं जीवधारियों में, इसका आभास था। और 19वीं सदी तक लोगों को इसका आभास था, लेकिन वंशागति प्रक्रिया का अध्ययन किसी को नहीं था, अर्थात वंशागति के लक्षणों का ज्ञान किसी को नहीं था। तो 19वीं सदी के मध्य तक अनेक वैज्ञानिक को ये विश्वास था कि हाँ, आनुवांशिकी है, इसके कुछ लक्षण हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण होता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया का ज्ञान किसी को नहीं था। सन 1865 ईस्वी में यूरोप के ऑस्ट्रिया देश के ब्रोन शहर के निवासी ग्रेगर जान मेंडल, जो अगस्तियन ईसाइयों के पादरी थे, और ये 1822 से 1884 के मध्य वंशागति के मूल नियमों को बनाकर आधुनिक आनुवांशिकी की नींव डाली, यानी कब से? 1884 ईस्वी में आधुनिक आनुवांशिकी की नींव डाली। यानी इन्होंने जो है 1822 ईस्वी से 1840 के बीच इनका जीवन काल, और इस जीवन काल के ही
दौरान इन्होंने जो है अनुवांशिकी की अर्थात आधुनिक अनुवांशिकी की नींव डाली, इसीलिए इन्हें जो है आधुनिक अनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? मेंडल को। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने जो है आधुनिक अनुवांशिकी की नींव डाली और इसीलिए इनको जो है आधुनिक अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, किंतु संयोग बस जो है इसकी परिकल्पना या इसके सिद्धांत की खोज 1866 ईस्वी में, और इसकी जो परिकल्पना इन्होंने प्रस्तुत किया, ये परिकल्पना जो है एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून इसमें जो है इनकी परिकल्पना छपी, आधुनिक अनुवांशिकी के जो परिकल्पना छपी ये किसमें? एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून इसमें जो है इनकी जो है ये परिकल्पना छपी, किंतु दुर्भाग्यवश जो है लगभग 34 वर्षों तक किसी भी वैज्ञानिक का इनकी ओर ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ, अर्थात ध्यान नहीं हुआ या ध्यान नहीं गया लोगों का। और इस दौरान जो है या इसके पश्चात जो है तीन वैज्ञानिक जर्मनी के कार्ल कोरेंस, हॉलैंड के ह्यूगो डिवरीज तथा ऑस्ट्रिया के जो है एरिक शेरमैक या एरिक वान शेरमैक का इस ओर ध्यान गया, और इन्होंने ही जो है मिलकर के जो है तीनों लोगों ने आधुनिक अनुवांशिकी या अनुवांशिकी की पुनर्खोज की, अर्थात अनुवांशिकी की प्रक्रियाओं को परिकल्पनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इस प्रकार आधुनिक अनुवांशिकी की खोज हुई। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है मेंडलीय वंशागति यानी मेंडलियन जो है मेंडलियन इनहेरिटिटी या हेरिडिटी। तो कहने का मतलब है मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों में पहले एकाकी अनुवांशिक लक्षणों का तुलनात्मक विभिन्नताओं की वंशागति का कई पीढ़ी तक अध्ययन किया, यानी इन्होंने जो है संकरण प्रयोग को कई पीढ़ियों तक किया और इन पीढ़ियों में जो है विशेष करके तुलनात्मक लक्षणों का अध्ययन किया। इसके पश्चात ही ये पूरे समय तक प्रयत्न करते रहे, प्रयत्न इनका जो है जारी रहा और सही आंकड़े जुटाए, अंततः वंशागत की विधि पर स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए इन्होंने जो है निश्चित परिकल्पनाओं को बनाने में या इनकी रूपरेखा देने में सफल रहे। इसके साथ साथ ये आता है, कभी कभी पूछा जाता है कि मेंडल ने जो है अपने अनुवांशिकी के प्रयोग में मटर का पौधा का ही क्यों चयन किया, अर्थात उद्यान मटर का ही चयन क्यों किया।
तो कहने का मतलब है कि मेंडल ने जो इस पौधे का चयन किया, सबसे सरल बात तो ये है कि मेंडल एक पादरी थे और पादरी जो है चर्च में पूजा पाठ का कार्य कराते हैं, और चर्च में देखा जाए तो प्रायः क्या होता है, यानी गार्डन बनाया जाता है, चर्च हरा भरा रहता है, फूलों से गमकता रहता है, तो उसमें जो है अनेकों प्रकार के पौधे थे, लेकिन सभी पौधों पर जो है मेंडल का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ। मेंडल ने कुछ गुणों का अध्ययन किया और इसकी रूपरेखा को देखा, और इसमें विशेष आधार ये देखा कि मटर जो होता है एक फसली पौधा होता है, और एक फसली पौधा जो होता है यानी वर्ष भर में लगभग 90 दिन की फसल होती है, और 90 दिन के अंदर इसकी सारी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो समय, सबसे पहली बात तो ये होता है समय यानी कम इसमें लगा, और अच्छे से बीजों को जो है, अच्छे से आंकड़ों को, अच्छे से परागण की क्रियाओं को संपन्न करने में इनको अच्छा समय मिलता गया, जिसके आधार पर इन्होंने जो है उद्दान मटर का चयन किया। इसके बाद हम जो है और बता रहे हैं कि इसमें जो है पुष्प द्विलिंगी होता है। पुष्प द्विलिंगी का मतलब ये है कि इसमें नर और मादा दोनों यानी पुमंग और जयांग दोनों एक ही पुष्प में होते हैं, और दूसरी बात ये होती है कि इसमें पर परागण की कोई संभावना नहीं होती है। कारण ये होते हैं कि इस पुष्प के जो पंखुड़ियाँ होती हैं इस तरह से बंद होती हैं कि इसमें बाह्य परागण का माध्यम संभव नहीं हो सकता है, अर्थात कृत्रिम परागण संभव नहीं हो सकता है। इसके लिए जो है यानी जब तक इन पंखुड़ियों को हटाया नहीं जाएगा तब तक इसके जो है स्टेमेंस और क्या करते हैं ये कॉर्पल्स, इनको देखा नहीं जा सकता। तो इसमें इसके लिए भी जो है इन्होंने चयन किया कि इसमें जो है स्वपरागण की क्रिया ही संभव है, अन्यथा कृत्रिम परागण की क्रिया जो होती है बहुत कम ही संभव होती है। इसके साथ साथ इन्होंने स्वपरागण द्वारा ही जनक होते रहने के कारण, जनन होते रहने के कारण पौधों की किसी भी आबादी में अनेक वंश परंपरागत अनुवांशिक विभिन्नताएं भी होती हैं, यानी कि स्वपरागण में जो लक्षण देख रहे हैं उन लक्षणों में परिवर्तन भी होना चाहिए, और साथ साथ इसमें कृत्रिम रूप से जो है परपरागण संभव होता है। यानी मटर के पौधे पर क्या किया जा सकता है, कृत्रिम रूप से परपरागण संभव हो सकता है। अगली बात यह है कि पौधों में जीवन चक्र जो होता है कम अवधि में ही पूरा हो जाता है, अर्थात इस पौधे का जीवन चक्र जो होता है अल्प आयु थोड़े समय में ही पूरा हो सकता है। तीसरी बात यानी अगली बात होती है इसमें कि मटर के पौधे में बीज भ्रूण व पौधों की सामान्य वृद्धि व पुष्पन आदि के लिए जो है विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कि इस प्रकार के पौधे का अगर बीज बोया जाए तो बीज बोने के पश्चात इसमें जो है बीज के अंकुरण होने और इसके साथ साथ पुष्प लगने या फल बीज बनने में कोई विशेष परिस्थिति का आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इन गुणों के आधार पर ही मेंडल ने अपने प्रयोगों में जो है मटर के पौधे अर्थात उद्दान मटर का चयन किया है। आज हम आप लोगों को यही तक बता रहे हैं, नेक्स्ट इसके बाद फिर जो है अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।